पिछले एक सप्ताह से अत्रोलिया नगर पंचायत के पाइपलाइन से दूषित पानी निकल रहा है, जिसे पीने से मना किया जा रहा है कि पूरे नगर पंचायत में डायरिया का प्रकोप हो गया है। देखते देखते दर्जनों लोग इसकी गिरफ्त में आ गए हैं और उल्टी दस्त बीमारी से ग्रसित होकर लोग हॉस्पिटल में भर्ती हैं। खासतौर से 18 साल से कम उम्र के बच्चे पर इसका प्रकोप ज़्यादा है। पहले तो लोग समझ नहीं पाए कि डायरिया बाजार में कैसे फैला, मगर जब लोगों ने नगर पंचायत की सप्लाई पानी पर गौर किया तो देखा कि नगर पंचायत द्वारा सप्लाई किया जा रहा पानी पूरी तरह दूषित है। पात्र में पानी रखकर देखने पर उसमें पीले व काले रंग के कुछ तत्व मौजूद हैं। लोगों ने जब इस पर गौर किया तो जिन जिन घरों में नगर पंचायत का पानी पीने के लिए प्रयोग किया जाता है, डायरिया उन्हीं घरों में ज़्यादा है, तथा नगर पंचायत से इतर जहां पानी की सप्लाई नहीं है वहां डायरिया का कोई नामो निशान नहीं है। अधिशासी अधिकारी संपूर्णानंद तिवारी ने बताया कि पानी में ब्लीचिंग नहीं पड़ा था, जिसे डलवा करके पानी की सप्लाई की जाएगी। उप जिलाधिकारी बुढ़नपुर ने कहा कि मैं इसे तत्काल दिखा लेता हूँ और बाजार में डायरिया फैला है तो स्वास्थ्य विभाग की टीम भेजकर जाँच करवाकर दवाई वितरण की जाएगी। हरकत में आया स्वास्थ्य विभाग। अत्रोलिया बाजार में उल्टी दस्त की बीमारी फैलने से स्वास्थ्य विभाग की टीम हरकत में आई और स्वास्थ्य विभाग के एचईओ जितेंद्र कुमार द्वारा अत्रोलिया नगर पंचायत में दवा ORS घोल तथा क्लोरीन की गोली का वितरण कर लोगों से डायरिया से बचाव करने के उपायों को बताया। उन्होंने कहा कि अधिकारियों से बात कर आंगनबाड़ी के माध्यम से पूरे नगर के 11 वार्डों में दवा वितरण तथा ORS घोल का वितरण कराया जाएगा। डायरिया की शिकायत है, फिर 4 दिन से हम लोग लेकर परेशान है। आज पारी पारा सब लोग तो गिरते हैं, सप्लाई का पानी है तो गंदा है सब है। सब एक जो है वो नाला है, नाला सब कूड़ा एकदम भरा है, उसी की वजह से गंदगी है। तो नगर पंचायत द्वारा पानी क्या गंदा आ रहा है उसके लिए? हाँ, वो भी एकदम जैसे बुझा रहा है कि एकदम जाली जाली एकदम गंदा पानी, तो बहुत गंदा पानी आ रहा है टोटी में जो सप्लाई पानी आ रहा है।